कहानी की शुरुआत यहूदियों के एक नगर से होती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे यहूदियों के लिए आने वाला समय खतरनाक होता जा रहा है, और उन्होंने इसी बात में कई खोजें की, और उनकी एक खोज जो उनके लिए बहुत बड़ी साबित हुई वो थी गोलेम, एक ऐसा रक्षक जो यहूदियों को हर मुश्किल से बचाता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक यहूदी हूँ, मुझे भी अपनी रक्षा सर्वप्रथम लगती है। वैसे तो हम यहूदी मानते हैं कि गोलेम एक दानव है, पर कई बार इसको भगवान के नाम पर बनाना पड़ता है, और ये तब होता है जब मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये गोलेम एक काल्पनिक जीव है, मैं तो वैसे ही पढ़ रहा हूँ किताब में। असल कहानी एक अंधेरे गांव से शुरू होती है, जहाँ पर एक औरत जो कि काफ़ी नाराज होती है कि उसका खुद का बच्चा 7 साल की उम्र में मर जाता है। वो काफ़ी दर्द सह रही होती है, क्योंकि उसका पति भी उसे बच्चा पैदा करने के लिए कह रहा होता है। एक दिन नास्तिक गांव में घुस जाते हैं, उधर वो औरत घुस जाती है सिनेगॉग के एक खुफिया कमरे में। वहाँ पर उसे गोलेम को बनाने वाली किताब मिलती है, जहाँ पर गोलेम को कैसे बनाया जाता है जो सब लिखा होता है, और वो पागलों की तरह उसे बनाने लग जाती है। उसके अंदर नशा सवार रहता है गोलेम को बनाने का, और वो आखिरकार कई कोशिशों के बाद गोलेम को कैसे बनाया जाता है उसके हिसाब से बना देती है। और फिर आगे कोई मुश्किल आ जाएगी। कभी कभी सोचता हूँ इंसान कितना मतलब ही बन जाता है अपने लिए, उसमें धीरज नहीं है, वो जिस काम को कर रहा है उसमें थोड़ा इंतज़ार कर ले। आखिरकार उस औरत को अपना गोलेम मिला एक बच्चे के रूप में, और उसे देखकर वो काफ़ी आकर्षित थी। उसने सभी गांव वालों को उसका परिचय करवाया, और धीरे धीरे वो गांव वासियों की मदद करने लगा। पर अभी भी खतरा था, क्योंकि इस गोलेम का असली रूप किसी के सामने नहीं आया था। गांव में लोग मरने लगे, और औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरी तरफ नास्तिकों ने गोलेम के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, और उनका मकसद गांव को बर्बाद करना भी था। अब कहानी में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है, अब क्या होगा उन नास्तिकों का उस गोलेम का। उस औरत ने खुद को और गोलेम को मारने की कोशिश की, पर वह दोनों बार नाकामयाब रही, क्योंकि अब ये बात समझ से भी दूर जा रही थी। आखिर में गोलेम ने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर दिया।